हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी बॉलीवुड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गजब फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, गजब एक हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे 28 मई सन 1982 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, रेखा, रंजीत, मदनपुरी, जगदीप, अरुणा ईरानी, सरस सक्सेना, प्रवीण कुमार और केस्तो मुखर्जी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सीपी दीक्षित ने, प्रोड्यूस किया था एनएन सिप्पी ने, म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 5 गाने थे जिनको अपनी प्यारी आवाज से सजाया था किशोर कुमार, अमित कुमार और लता मंगेशकर ने। गानों के बोल थे आगे से देखो, पीछे से देखो, आए हवा ये बता, आए घटा ये बता, घर से चली थी मैं, जाने जिगर जाने मन। इन सारे ही गानों के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट था 1,70,00,000 रुपए और इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 6,00,000 रुपए की कमाई की थी और अपने पहले हफ्ते में 37,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। और बॉक्स ऑफिस इंडिया इस फिल्म ने 3,50,00,000 रुपए की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड में 5,60,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। और इस फिल्म को पॉपुलर वेबसाइट IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है और ये फिल्म सन 1982 में कमाई करने के मामले में 11वें नंबर पर थी। आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म में धर्मेंद्र ने डबल रोल प्ले किया था। उन्होंने इस फिल्म में अजय और विजय का रोल निभाया था। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के प्रोड्यूसर सबसे पहले इस फिल्म में शशि कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन कुछ कारण से बाद में उन्हें इस फिल्म में नहीं लिया गया था। फैक्ट नंबर 3, ये फिल्म सन 1979 में आई तमिल फिल्म कल्याण रामायण की हिंदी रिमेक थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई गजब फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।